धौलपुर करौली लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जिसके बाद कलेक्टर ने जिले में धारा 144 भी लगा दी। जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिन जगहों पर मतदाताओं में मतदान के प्रति कम रुचि देखी गई थी, उन सभी जगहों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर में पहले चरण में मतदान करवाया जाएगा, जिसके लिए 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में गठित की गई FST टीम को आदर्श आचार संहिता लागू होते ही उनके क्षेत्र में तैनात कर दिया है। कलेक्टर ने कहा कि सभी दलों से बैठक करने के साथ ही जिले में शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए पुलिस के साथ बैठक की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टी के साथ पुलिस अधिकारियों के लिए वाहनों की व्यवस्था करने के लिए वाहन अधिग्रहण भी किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने सभी मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। होटल है, उससे वो परमिशन लेंगे और उसमें भी जो भी आदर्श आचार संहिता के जो नियम है वो पालना होगी। कोई भी ऐसे अनैतिक या कोई भी दुर्व्यवहार उसमें बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगी और उसके सतत निगरानी रखेंगे। वीडियो सर्वेलेंस टीम के माध्यम से उसमें एक्सपेंडिचर का भी निगरानी रखेंगे। और आपको पता है कि पूरे जिले में 921 बूथ है, 921 बूथ और 8 लाख से भी ज़्यादा वोटर्स है। उसमें युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी है, 8 ट्रांसजेंडर भी है, उसकी सूचना आपको दे देंगे एज कोहर्ट्स। और आपके माध्यम से मैं सारे युवाओं को उनसे अनुरोध करता हूँ कि जितना हो सकता है उतना सभी लोग 100% वोट करें, क्योंकि ये आपके भविष्य है। अगर आप ढंग से अपने जनप्रतिनिधि चूज करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी, शहरी क्षेत्र के लिए भी। आपको अमूमन देखने को मिलता है शहरी क्षेत्र में कम वोटिंग परसेंटेज रहता है, वो ट्रेंड हम इस बार रिवर्स करना चाहते हैं। और साथ ही विधानसभा से लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग परसेंटेज रहता है, वो भी हमें सुधारना है। तो लोगों को इसमें वोटिंग करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। अब जैसे कि आपको निश्चित है इस बार जो होम वोटिंग है 85+ का लिया है निर्वाचन आयोग से, जो डायरेक्शन है 85+। और कोई भी ऐसे व्यक्ति जो PWD जो है, जो बिल्कुल इनकैपेसिटेटेड है, उन्हीं को ये उपलब्ध रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी बूथ में आके वोट करने का है, क्योंकि आपको पता है पोस्टल बैलेट काउंटिंग TDS प्रोसेस है। बट वो जिनको बूथ पे आके वोट नहीं कर सकते उन सबको वो सुविधा अवेलेबल जरूर कराएंगे, वो राजनीतिक दलों के साथ भी शेयर करेंगे। सर, हमारी चारों विधानसभा में ऐसे कितने वोटर्स हैं सर, जो 85+ और TWD पोस्टल लिस्ट में? इसमें बसेड़ी में 1796 है, बाड़ी में 1717 है, धौलपुर में 1359 है, राजा खेड़ा में 167 है, कुल 6547 है। ये आपको अवेलेबल कराएंगे। PWD का भी मैं बताता हूँ, 322-3080 बसेड़ी में 322 है, बाड़ी में 3080 है, धौलपुर में 2163 है, राजा खेड़ा में 2926 है, योग व डबल 1391। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेटचर 3/3/2024, डेट ऑफ पोल डे वो है 19/4/2024, काउंटिंग ऑफ वोट्स 4/6/2024, और डेट बिफोर विच द इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड 6/6/2024। तो यानी कल डेट ऑफ अनाउंसमेंट से लेकर 6/6/2024 तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। आप सबको विजित है धौलपुर करौली धौलपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो इलेक्शन है